बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11वीं क्लास की इंग्लिश है और प्ले हम पढ़ रहे हैं, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम हम पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही ज़्यादा हैं, तकरीबन 89-90 के करीब हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं जुमले, जिनमें एक लफ्ज़ के आगे नीचे चार चार दिए हुए हैं। तो ये बहुत लेंथी हो जाएंगे अगर हम एक ही दफ़ा इनको पढ़ें। तो हम क्या करेंगे, टू सिटिंग्स में हम इनको पढ़ेंगे, दो दफ़ा 45 आई पढ़ेंगे और जो 45 है फिर हम वो बाद में पढ़ लेंगे ताकि आप याद भी कर लें। देन स्लोली, फिर आहिस्ता से, अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक रोशन चीज़ आर्क्स इनटू व्यू, कौसे कदा बनाती हुई मंजर यहाँ पे आती है। रेडियंट, चमकदार, रोशन, डिम, मदम, मरकी, तारीख, डार्क, तारीख। तो लुमिनस का क्या आएगा, रेडियंट। साथ साथ याद करते जाएं, इतनी ज़्यादा वोकेबलिटी है ना, सही बात, इतना अच्छा सिलेबस है, मैं हैरान होता हूँ। इतना पढ़ के हमें आता इसलिए नहीं है क्योंकि चीज़ों को प्रॉपरली हम सीखते नहीं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट सीम्स टू डिसॉल्व टू द लिविंग रूम ऑफ सेपेल्डिंग्स हाउस। जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो उड़ने वाली जो चीज़ थी, उड़ने वाली चीज़ सीम्स दिखती है, वो लग रहा है को डिसॉल्व के वो उतर रही है, टू द लिविंग रूम सेपेल्डिंग हाउस, सेपेल्डिंग के घर का जो बैठक है ना, घर का जो लिविंग रूम यानी बैठक है, उसमें वो चीज़ उतर रही है। वैनिश, गायब होना, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, एम्बेलिश, अरास्ता करना, फर्निश, अरास्ता करना। तो डिसॉल्व का वो कहते हैं वैनिश, गायब होना, यानी जब आप एक चीज़ कमरे में उतरेगी तो वो गायब हो जाएगी। स्पेल्डिंग्स रूम इज़ एक्सपेंसिवली एंड होमली डेकोरेटेड। जो स्पेल्डिंग का कमरा है उस पर बड़े पैसे लगे हुए हैं और सादगी से वो अरास्ता है, डेकोरेट अरास्ता किया हुआ है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, हाँ मतलब ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। बैडली, बुरे तरीके से, स्लाइटली, मामूली तरीके से, डियरली, ग्रां तौर पर, पुअरली मतलब है नकारा तौर पर। तो एक्सपेंसिवली का मतलब है डियरली। मिस्टर स्पेल्डिंग लुक्स अंकचुअस, ये अंकचुअस पढ़ते हैं इसको, मिस्टर स्पेल्डिंग दिखता है चापलूस, किंगली, बादशाही, किंगली, फ्लैटरिंग, चापलूसी करने वाला, क्रूअल, जालम, वाइल्ड, वैशी, जंगली, वैशियाना। अंकचुअस का आएगा फ्लैटरिंग। मिसिस स्पेल्डिंग लुक्स बोर्ड एंड वेग, मिसिस स्पेल्डिंग दिखती है कि वो बेजार है एंड वेग और मुबम ख्याल रखने वाली है, यानी उसका जहन सही काम नहीं कर रहा। बोल्ड, बहादुर, टिमिड, बुजदिल, शार्प, तेज, ब्रेन लेस, बगैर दिमाग के, यानी जहन उसका काम नहीं करता। नंबर 6, एलन इज़ अ लिवली गर्ल, एलन जो है वो एक जिंदा दिल लड़की है, एनर्जेटिक, क्या कहते हैं, तवानाई वाली, डल, सुस्त, वेग, मुबम ख्याल वाली, फैट, मोटी। तो लिवली का आएगा एनर्जेटिक। नंबर 7, एलन फिजिट्स, जो एलन है वो तिल मिलाती है, बेकरार होती है, एज शी लिसन द ब्रॉडकास्ट ऑफ हर फादर, जब वो अपने बाप की जो ब्रॉडकास्ट क्या कहते हैं नशरियात वो सुनती है। सलम्बर, सोती है, सलम्बर सोना, लाफ हंसना, इंजॉय, लुत्फानंदोज होना, ट्विच, तिल मिलाना, बेकरार होना। तिल मिलाना का मतलब ये होता है बंदे को बेचैनी हो और बंदा जो है ना वो अपना जो क्या कहते हैं पाँव और हाथ है वो उनमें हरकत करे, होता है ना, बसा अवकात हमें कोई मसला बन जाए तो हम जनाब फर्ज़ गया ख़ारिश का मसला हो गया, खुरक पै गई, तो कभी लत्ता नू, कभी बाँव नू, कभी खुत्ती नू, तो हिल ही आता बंदा, इसको कहते हैं ट्विचेस। नंबर 8, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैव गिवन राइज टू सो मच इरेस्पॉन्सिबल कंजेक्चर। जो उड़ने वाली चीज़ है उसने बढ़ावा दिया है इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इरेस्पॉन्सिबल कंजेक्चर, क्या असर आएगा, मतलब लोग हमें क्या करते पे अंदाजे लगा रहे हैं भाई ये फलां चीज़ होगी या फलां चीज़, क्या असर आएगा, मतलब अंदाज़ा लगाना। सोल्यूशन, हल, गैसिंग, अंदाज़ा, एब्यूज़, गाली देना, एक्टिविटी, सरगर्मियाँ, तो इसका आएगा गैसिंग। नंबर 9, सर्टेन लुनेटिक एलिमेंट्स बिलीव दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज़ अ सीक्रेट वेपन। जो मखसूस लुनेटिक माना होता है पागल,
हाँ बेवकूफ़ अनासर, बिलीव दैट, वो ये समझते हैं कि उड़ने वाली जो चीज़ है ये कोई मख्फी जो है ना, मख्फी वेपन आला है, वेपन असलहा है। बोल्ड बहादुर, वाइज दाना, फुलिश अहमक, क्विक तेज, तो लुनेटिक क्या आएगा, फुलिश। नंबर 10, मिस्टर स्पेलिंग क्रॉसेस टू पोज विद हिज वाइफ एंड डॉटर। क्रॉस का मैंने गुजरना होता है, तो ये सबक में किस माना में इस्तेमाल हुआ ये मतलब है, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये पोज का माना बहरहाल ये मुतासिर करने है। वो क्रॉस का माना हम देखते हैं, और पोज का माना जो है ना वो है मुतासिर करना, वो अपनी बेगम को एंड डाटर और बेटी को मुतासिर करता है। इम्प्रेस मुतासिर करना, एट नफरत करना, आर्गू दलील देना, बहस करना, फाइट लड़ाई करना, तो पोज का आएगा इम्प्रेस। नंबर 11, मिस्टर स्पेलिंग सेज दैट इट इज़ नॉट फ्लैटरिंग दैट एलन डजंट लिसन टू हिज न्यूज़। मिस्टर स्पेलिंग ये कहता है कि ये चीज़ खुशामद को नहीं है कि एलन जो है वो उसकी जो खबर है वो नहीं सुनती। ग्रेटिफाइंग तसल्ली बख्श, बैड बुरी, नोटोरियस बदनाम, थ्रेटनिंग क्या कहते हैं, थ्रेटन का माना होता है क्या, थ्रेटन को क्या कहते हैं, धमकी देना, धमकी देने वाली, तो फ्लैटरिंग का यहाँ पे आएगा ग्रेटिफाइंग। नंबर 12, मिस्टर स्पेलिंग सेज दैट विदाउट ब्रॉडकास्ट दे वुड स्टार्ट। मिस्टर स्पेलिंग ये कहता है कि नशरियात के बगैर वो मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, बी हंगरी भूखा होना, डांस नाचना, बी वाइज दाना होना, स्टूपिड बेवकूफ, तो इसका आएगा बी हंगरी कि वो भूखे हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। नंबर 13, मिस्टर स्पेलिंग सेज दैट जॉन डजंट हैव गेट अप एंड गो। मिस्टर स्पेलिंग ये कहता है कि जॉन जो है उसमें गेट अप एंड गो यानी जोश नहीं है, ताकत नहीं है। मनी पैसा, हेल्थ सेहत, विजडम दनाई, एनर्जी ताकत जोश, गेट अप एंड गो का मतलब है एनर्जी। नंबर 14, मिस्टर स्पेलिंग सेज दैट एलन इज़ एन अनग्रेटफुल। जो एलन है वो एक नाशुक्री चाइल्ड जो है ना, वो क्या कहते हैं, बच्ची है, पुअर गरीब, विकट शरारती, अनथैंकफुल, अनथैंकफुल शुक्र ना करने वाली, नाशुक्री, थैंकफुल शुक्रगुजार, तो इसका आएगा अनथैंक। मिस्टर स्पेलिंग सेज दैट ही रीजनिंग विद मिस नो इट ऑल। मिस्टर स्पेलिंग ये कहता है कि वो बहस कर रहे हैं मिस नो इट ऑल यानी आलमा फाजला पढ़ी लिखी लड़की से, स्टूपिड बेवकूफ, इंटेलेक्चुअल आलिम फाजिल पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी, लेजी सुस्त, स्लीपी सोने वाली, तो इसका आएगा इंटेलेक्चुअल। मिस्टर स्पेलिंग सेज दैट ही इज मेरिली रीजन विद मिस नो इट ऑल। मिस्टर स्पेलिंग कहता है कि ही मेरिली रीजन्स, वो सिर्फ बात कर रहा है मिस नो इट ऑल से यानी पढ़ी लिखी खातून से। आर्गूस दलील देना, बात करना, रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना, कमांड हुक्म देना, कंप्लाई तामील बजा लाना, कंप्लाई विद तामील बजा लाना, तो रीज़न का आएगा आर्गू। मिस्टर स्पेलिंग सेज द हॉरर ऑफ मैरिंग अ वेल्दी मैन ऑलवेज इलूड्स हिम। तो मिस्टर स्पेलिंग ये कहता है कि खौफ ऑफ मैरिंग अ वेल्दी मैन, एक दौलतमंद आदमी से शादी करने का खौफ, ऑलवेज इलूड्स हिम, हमेशा उसको नहीं आता। इलूड का माना था बचना, इलूड का माना था बचना, इन उससे बच निकलता है उसको आता नहीं है। अवॉइड्स बचना, चार्म्स मशहूर करना, चार्म्स दिलकश लगना, विप्स विप कोड़ा मारना, और रिवार्ड इनाम देना, तो इलूड का आएगा अवॉइड। मिस्टर स्पेलिंग आस्क एलन, मिस्टर स्पेलिंग एलन से कहता है टू मैरी सम एम्बिशियस मैन, कि वो किसी जज्बाती आदमी से शादी करे, एलन लड़की से, औरत से।
ड्रोल मस्करा, डल सुस्त, और कुंजेन और लेजी सुस्त, एस्पायरिंग ख्वाहिश रखने वाला, एस्पायर ख्वाहिश रखने वाला। तो एम्बिशियस का आएगा एस्पायर, जज्बाती। एन एम्बिशियस मैन मेक्स हिज मार्क इन द वर्ल्ड, एक जज्बाती आदमी वो अपना नाम पैदा करता है, असर छोड़ता है इन द वर्ल्ड दुनिया में। टूवर्ड्स सैर वसियात करना, सक्सीड कामयाब होना, फेल नाकाम होना, ट्रैवल सफ़र करना। तो इसका आएगा सक्सीड, वो कामयाब होता है। यह तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म टूवर टूवर्ड्स का मतलब है वो सैर वसियात करता है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। द ऑड्स अगेंस्ट बींग हिट बाई अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर 10,000,000 to 1, इम्कानात इस चीज़ के बींग हिट बाई अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरने वाली चीज़ बंदे से आ टकराएगी, आर 10,000,000 to 1, वो 10,00,000 में से एक है, 10,000,000 to 1, सॉरी 10,00,000 नहीं, 1,000,000 में तो 10,00,000 होता है, तो 10,000,000 एक करोड़ में से एक है, यानी एक नस्बत एक की नस्बत जो एक करोड़ से है ना, या एक करोड़ में से जो एक है, जो उनका आपस में तनासुब है, तो इतना जो है ना इम्कान है। वर्सेस अशार पोइम्स नज़में, चांसेस इम्कानात, स्ट्रेंजनेस अजीब होना, तो ओड्स का माना है स्ट्रेंजनेस अजीब होना। मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, जो उड़ने वाली चीज़ है ये एक बसरी देखने वाली इल्यूजन, बसरी वहमा है, यानी ये देखने का धोखा है, इल्यूजन कहते हैं वहम को, धोखे को। थ्रेट खतरा, कोटेशन हवाला, मकूला और एल्यूजन इशारा, और फॉल्स अपीयरेंस, अपीयर का माना था ज़ाहिर होना, शक्ल झूठी जो है ना वो अपीयरेंस, शक्ल व सूरत कह लो या नमूदो नुमाइश जो झूठी है वो। तो इल्यूजन का जो है ना मेरा ख्याल है वो आएगा फॉल्स अपीयरेंस, फिर भी मज़ीद इसको आप देखें। मिस्टर स्पेल्डिंग रिटर्न वाइड आइड, मिस्टर स्पेल्डिंग वापस आता है हैरान, आंखें उसकी खुली की खुली हैं, हैरान है। डिसअपॉइंटेड मायूस, ब्लाइंडेड अंधा, एस्टोनिश्ड हैरान, सोर आइड ख़राब आँखों वाला, तो इसका आएगा एस्टोनिश्ड। मिस्टर स्पेल्डिंग स्वेलोज हार्ड दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डजेंट बिलोंग टू अर्थ, मिस्टर स्पेल्डिंग बमुश्किल ये चीज़ मानता है, स्वेलो को माना निकलना होता है, मतलब ये कि बमुश्किल ये चीज़ मानता है कि जो उड़ने वाली जो चीज़ है डजेंट बिलोंग टू अर्थ, वो ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखती। टर्न डाउन मुस्तरद करना, डाउट शक करना, दरवाज़ा सीधे बंद करें उठ के, एक्सेप्ट कबूल करना, रिजेक्ट मुस्तरद करना। दे थिंक क्रेटन अ मोन्स्टर फर्स्ट, वो क्रेटन को मोन्स्टर भूत समझते हैं फर्स्ट सबसे पहले। ड्रोल मस्करा, इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा, घोस्ट भूत, स्कॉलर आलम फाजल, तो मोन्स्टर का आएगा घोस्ट। नंबर 25-25, दे थिंक दैट क्रेटन इज वीरिंग अ रॉन्ग कॉस्ट्यूम, वो ये समझते हैं कि जो क्रेटन है उस वो गलत लिबास पहनने वाला है, शू जूता, ग्लव क्या कहते हैं दस्ताने, कस्टम रवाज, ड्रेस लिबास, तो कॉस्ट्यूम का आएगा ड्रेस। नंबर 26, क्रेटन्स ड्रेस इज ट्राइफल ओल्ड फैशन, जो क्रेटन का लिबास है वो मामूली पुराने तरह का है, यूजली बड़ा एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, अबिट मामूली, अलॉट ऑफ काफ़ी मकदार में, ट्राइफल का आएगा अबिट। क्रेटन सेज दैट 27, ही मस्ट सिट डाउन एंड कलेक्ट हिमसेल्फ, क्रेटन ये कहता है कि उसको ज़रूर नीचे बैठना चाहिए और अपने जज्बात को काबू में करना चाहिए, एहसासात को। फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद करना, गैदर इज़ मनी पैसे इकट्ठे करना, असेंबल इज़ विट्स अकल को इकट्ठा करना, तो कलेक्ट हिमसेल्फ का मतलब है असेंबल इज़ विट्स, अपनी दनाई अपनी अकल अपने एहसासात को समेटना। नंबर 28, मिस्टर स्पेल्डिंग आस्क्ड क्रेटन इफ़ ही वुड कंसेंट टू हिज इंटरव्यूइंग, मिस्टर स्पेल्डिंग क्रेटन से कहता है आया
वो इजाज़त देगा, आया वो राज़ी होता है टू इज़ इंटरव्यूइंग, कि उसका इंटरव्यू लिया जाए। वेस्ट ज़ाया करना, थ्रैश मारना, व्हिप कोड़ा मारना, एग्री टू मुत्तफिक होना, तो कंसेंट का माना होता है एग्री टू मुत्तफिक होना। 29, क्रिटन सेज दैट ही पिक्स अप थिंग्स, क्रिटन ये कहता है कि वो चीज़ों को महसूस करता है। पिक्स अप, रिफ्यूट तरदीद करना, रियलाइज महसूस करना, डिनाई इनकार करना, ईट्स अप खाना, तो पिक्स अप का रियलाइज। द अथॉरिटीज आर टॉर्न बाई डाउट्स अबाउट क्रिटन। 30, जो हुकाम है वो परेशान है बाई डाउट्स, शकूक व शुबहात की वजह से, अबाउट क्रिटन, क्रिटन के बारे में। वर्रीड परेशान है, हैप्पी खुश हैं, डिलाइटेड खुश हैं, असलीप सोने वाले, तो टोन का आएगा वर्रीड। 31, क्रिटन सेज दैट ही डजेंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, क्रिटन ये कहता है कि वो नहीं लगता पैट्रोनाइजिंग, कि वो जो है ना क्या कहते हैं, पैट्रोनाइज का वैसा माना होता है सरपरस्ती करना, यानी अपने आप को बड़ा समझ के वो कह रहे हैं। तो सॉर्डिड, सॉर्डिड का माना होता है बदतमीज़, मीन का माना घटिया, मीक का माना मुनकसरुल मिजाज, और स्नोबिश का माना होता है अपने आप को बड़ा समझ के, मतलब है जो है ना बदतमीज़, इसका माना भी कर लेते हैं। तो पैट्रोनाइजिंग का ये जो है ना वो स्नोबिश इन्होंने लगाया होगा, स्नोबिश। और सॉर्डिड का कोई और माना भी शायद आता है, अब मेरे जहन में नहीं है, ये भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मैं, और एक और लफ्ज़ भी है वो भी। 32, क्रिटन सेज दैट बीइंग प्राउड इज़ अ प्रिमिटिव ट्रेट ऑफ अर्थ पीपल, क्रिटन ये कहता है कि बीइंग प्राउड, फ़ख्र करने वाला होना, ये कदीम ट्रेट क्या कहते हैं वसफ है आप अर्थ पीपल, ज़मीनी लोगों का, यानी अपने आप को वो जनाब ना बड़ा समझते हैं, प्राउड करते हैं। डिसगस्टिंग, नफ़रत दिलाने वाला, पॉपुलर मशहूर, न्यू नया, ओल्ड पुराना, तो प्रिमिटिव का माने ओल्ड। 33, क्रिटन सेज दैट बीइंग प्राउड इज़ अ प्रिमिटिव ट्रेट, ट्रेट का माना खूबी, वसफ जॉय खुशी, क्वालिटी वसफ, डीमेरिट खामी, फुलिशनेस हमाकत, तो ट्रेट का आएगा ट्रेट क्वालिटी। 34, जनरल पावर्स कॉल्स क्रिटन अ जोकर, जो जनरल पावर है वो क्रिटन को मजाया कहता है, इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा, नाइट फौजी, क्लाउन मस्करा, सेलिब्रिटी मशहूर, तो जोकर का आएगा क्लाउन, क्रिटन जो है। 35, क्रिटन आस्क इफ एनी थिंग टू ओबलाइज, क्रिटन पूछता है आया कोई चीज़ टू ओबलाइज, एहसानमंद करने के लिए, एहसान करने के लिए, इरेक्ट सीधा करना, सपोर्ट हमायत करना, डिमोलिश गिराना, फाइट विद लड़ाई करना, ओबलाइज कहेगा सपोर्ट हमायत करना, क्योंकि जब आप किसी को हमायत करते हो, सारा देते हो, सपोर्ट को माना सारा देना भी होता है, तो एहसान करते हो। 36, क्रिटन कॉल द ह्यूमन्स पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, जो क्रिटन है वो इंसानों को बेचारे कमज़ोर से तितलियाँ कहता है, कमज़ोर तितलियाँ, स्ट्रॉन्ग मजबूत, डेस्टिट्यूट मुफलिस महरूम, बोल्ड बहादुर, वीक कमज़ोर, फ्रेजाइल कहेगा वीक। 37, पावर्स आस्क क्रिटन इफ़ ही असपाए, जो पावर है पावर्स, वो क्रिटन से पूछता है आया वो जासूस है और अ होस्टाइल एलियन, या कि वो मुखालिफ एलियन अजनबी है, ह्यूमन इंसान, ड्रोल मस्करा, सीक्रेट एजेंट मख्फी नुमाइंदा, सोल्जर फौजी। 38, पावर आस्क क्रिटन, जो पावर है वो क्रिटन से कहता है इफ़ ही द सपाई, आया वो जासूस है और अ हॉस्टाइल एलियन, या कि मुखालिफ एलियन अजनबी है, हॉस्टाइल अपोज मुखालिफ, फ्रेंडली दोस्त, मिलनसार, काइंड मुशफिक, वाइस दाना, हॉस्टाइल का आएगा अपोज। 39, पावर आस्क क्रिटन इफ ही द सपाई, आया वो जासूस है और अ हॉस्टाइल एलियन, या कि वो मुखालिफ अजनबी है, सोल्जर फौजी, पीजेंट काशकार, ट्रेड्समैन ताजर, स्ट्रेंजर अजनबी। 40, क्रिटन टवर्ल्स द ग्लोब, जो क्रिटन है वो ग्लोब को घुमाता है, स्मैश तोड़ना, स्लाटर ज़िबा करना, स्पिन घुमाना, डिवेस्टेट तबाह करना, तो इसका आएगा टवर्ल यानी स्पिन।
41. पावर सेज दैट, पावर ये कहता है स्पेल्डिंग वुड गेट नो स्टोरी, स्पेल्डिंग कोई कहानी नहीं लेगा एज देयर इज सेंसरशिप, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी है. फन मजाक, कंसीलमेंट मख्फी रखना, पोशीदगी छुपाना. बेटरमेंट बेहतरी, अगलीनेस अगलीनेस बदसूरत होना. तो सेंसरशिप का मतलब है कंसीलमेंट, रखल यही इसका आएगा, छुपाना, क्योंकि वो चीज़ों को छुपाया जाता है ना, या पाबंदी लगती है तो चीज़ों को जाहिर नहीं किया जाता. 42. पावर सेज दैट ही हैज अ हंच दैट दे आर इन ट्रबल. पावर ये कहता है कि ही हैज अ हंच, उसे ये खौफ है, उसे ये एहसास है, उसे ये महसूस हो रहा है कि दे आर इन ट्रबल, वो परेशानी में है. फीलिंग एहसास, मटेरियल मादा, रेडियो वेपन असलिया, तो हंच का आएगा फीलिंग. 43. जॉन आस्क एलन, जॉन एलन से कहता है इफ़ शी नोज इंटर गैलेक्टिक ड्राइव स्टफ, आया वो जानती है कक्षाओं के दरमियान सफ़र की मालूमात, इंटर गैलेक्टिक कक्षाओं के दरमियान, जैसे हमारे महल्ले होते हैं ना, ऐसे सूरजों के जो महल्ले हैं सादा लफ्ज़ों में, तो एक जो महल्ला होता है जिसमें बहुत से सूरज हैं और फिर आगे दूसरा जो महल्ला है उसको गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी. इंटरेक्ट बम बातचीत करना, बिटवीन गैलेक्सीज कहकशाओं के दरमियान, तो इंटर गैलेक्टिक का मतलब है बिटवीन गैलेक्सीज, कोऑपरेटिव बाहम तआवुन करने वाला. इंटर वोकैलिक, इंटर वोकैलिक का मतलब होता है हरफ सही का दो हरूफ इल्लत के दरमियान होता होना, ए ई आई ओ यू हरूफ इल्लत है ना, वावल्स हैं, तो ये जो वावल्स दाएँ बाएँ आ जाएँ और दरमियान में हरफ सही हो, इसको कहते हैं इंटर वोकैलिक. 44. जॉन आस्क एलन इफ शी नोज इंटर गैलेक्टिक ड्राइव स्टफ, कहकशाओं के दरमियान सफ़र की मालूमात के बारे में आया वो जानती है इंफॉर्मेशन, तो स्टफ़ का माना इंफॉर्मेशन मालूमात. जंक रद्दी, ओड्स इम्कानात, और ओड्स एंड एंड्स का मतलब होता है नकारा चीज़ें, ओड्स एंड एंड्स. 45. दे टॉक इफ क्रिटन इज़ एन इम्पोस्टर, वो बात करते हैं कि आया जो क्रिटर है ये कोई बहरूपिया है. इम्पोर्टेंट पर्सन आम शख्सियत, फ्रॉड करने वाला, ड्रोल मस्करा, हीरो हीरो, तो इम्पोस्टर का आएगा फ्रॉड, क्योंकि जो बेरोपी होते हैं वो जनाब ड्रामेबाजी करते हैं और लोगों से धोखा जो है ना वो करते हैं. चलें जी, 45 है, इनको याद करें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.